फ्रेंड्स ये देखें, ये ना मेरा बिट मैं लेके आया था अपने सोल्डरिंग आयरन के लिए, तो ये मुझे ना अंदर नहीं जा रहा था उसे सोल्डरिंग आयरन के ना अंदर नहीं लग रहा था, तो ये मैंने ड्रिल के आगे और अपनी दूसरी मिनी ग्राइंडर के ज़रिए इसको थोड़ा छोटा किया। आए देखते हैं कि अब ये इस सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगता है कि यार नहीं लगता। ये पुराने वाला था, ये मैं खोल रहा हूँ। देखें दोस्तों, अभी भी ये छोटा है, इसको भी और थोड़ा सा करना पड़ेगा, दोबारा फिर करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको दोबारा इस तरह ड्रिल के अंदर लगाएंगे। गाइस, ये अपने जो हमारा बिट है इसको भी आगे से चेंज, ये जो मिनी ड्रिल का बिट है इसको भी चेंज करेंगे, और इसके आगे अब मैं लगाऊंगा वो दूसरे वाला, क्या नाम है, ग्राइंडिंग वाला। ये सॉरी, ये ग्राइंडिंग था वो, अब मैं वो जो रेक मार टाइप होता है वो इसके आगे लगा के, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ फिर। लोग इस सामने ये रिकॉर्ड इसको उठाएंगे, ये वीडियो सुबह देखना या कौन सा होगा, जब इसका काम होगा तो हम ले आएंगे, ये काफी दोबारा से इसमें रखूंगा। नहीं ये राइट, अब हम ले जाते हैं उसके बाद। अब दोबारा सोल्डरिंग आयरन इसके आगे लगाते हैं। ये देखें गाइस, कितना बेहतरीन तरीके से ये छोटा हो गया, हमने इसको छोटा कर लिया। अब मैं इसको ड्रिल बिट को उतारूंगा, ये जो हमारी बिट हमने इसके आगे लगाई है, ये देखें गाइस, इसको इस तरह करके उतार लिया। तो गाइस ये देखें, ये अपनी सोल्डरिंग आयरन के आगे मैंने इस तरह से दोबारा से लगा दिया। ये देखें कितनी आसानी से छोटा हो गया, ये देखें। अब हम इसको यूज़ करके देखें, ये देखें टाइट कर दिया दोनों साइडों से, इसके दोनों पेच हैं जिससे ये हिलता जुलता नहीं है। तो अब ये दोनों साइड से टाइट हो गया, अब हम इसको लगा के चेक करेंगे। देखिए गाइस, लाइट जल गई है, अब ये गर्म होगा और उसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे। ये देखिए गाइस, ये दूसरा बिट था जो मैंने पहले से छोटा किया, पहले इतना सा छोटा किया था, अब मैंने ज़्यादा छोटा किया, और पहले वाले पुराने जो बिट थे वो मेरे ख़राब हो गए थे तो इसलिए चलने के काबिल ही नहीं रहे थे। ये देखें गाइस, ये पुराना बिट है और ये बिल्कुल नया। अब जो हमने नया लगाया वो भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट करेंगे गर्म होने का। गाइस गर्म होना स्टार्ट हो गया, ये देखें ना, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से नया बिट। हर थोड़ी देर बाद नया बिट इस्तेमाल करना पड़ता, तो अब मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ इसको थोड़ी सी, ताकि आपको पता लग जाए कि ये यू चल रहा है। तो गैस हमने ये अपनी सोल्डरिंग करने के लिए ये अपना एक चिप लगा ली है अपनी इसके ऊपर, तो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ अपनी नई सोल्डरिंग टिप को। गाइज नई सोल्डरिंग टिप जब लग जाए ना तो मुश्किल आसान ही हो जाती है। ये देखें गाइज, आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ सोल्डरिंग होने स्टार्ट।
तो गाइस ये थी टेक्निक कि अगर आपका सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है अगर बड़ी हो और आपको इस्तेमाल करनी पड़े, अगर आपको चाहिए उस टाइम आपको मैसर ना हो के बड़ी छोटी टिप मिल सके, तो आप इस तरह ड्रिल, दोनों ड्रिल, एक ड्रिल में उसे उसकी बिट लगा सकते हैं और दूसरी ड्रिल में उसकी क्या नाम है, दूसरी ड्रिल के साथ आप उसको छोटा कर सकते हैं। तो गाइज़ आपके सामने मैंने इसको यूज़ करके दिखाया बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें गाइस बिल्कुल साफ सुथरी टिप हो गई है इसकी। साफ सुथरी टिप हो तो काम करने का मज़ा ही हो रहा है। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सब अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और इस तरह ही आप मेरा साथ देते रहें और आप लोगों का प्यार मेरे तक आता रहेगा, और मैं आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।